हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम इंग्लिश ट्रेनर। गाइस, किसी व्यूअर ने पूछा था कि सर ये कमिटेड टू क्या होता है, तो देखते हैं दोस्तों कमिटेड टू के बारे में। गाइस, आप जब कमिटेड टू बोलेंगे तो कमिटेड टू का मतलब है कि आप किसी काम को करने के लिए वचनबद्ध है, यानी कि आपने प्रॉमिस कर दिया है, वचन दे दिया है, अग्रीमेंट कर दिया है, कुछ ऐसा कर दिया है कि अब आप मुकर नहीं सकते हैं। वो जब कंडीशन होगा तभी आप कमिटेड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि समर्पित भी कह सकते हैं। अगर लव स्टोरी में देखें तो एक दूसरे के प्रति लॉयल भी कह सकते हैं कि अब तो भाई एकदम कमिटेड है, वो भी है। बट जो कमिटेड टू है, इट मींस कि यू आर प्लेस्ड, आप प्लेस्ड हैं, आपने एकदम वचन दे दिया है, आप एकदम ऑब्लिगेटेड हैं, करना ही करना है, या बाउंड टू हैं आप, ये समझ लीजिए, तभी आप कमिटेड टू का इस्तेमाल करेंगे। जब आप कमिटेड टू बोलेंगे तो आपने सब्जेक्ट बोला, उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर, एम, था, तो, वाज या वर लगा सकते हैं। उसके बाद आपने कमिटेड टू के बाद अगर कोई एक्शन है तो जिरन लगाइए, एक्शन होगा तो आईएनजी लगाइए, कमिटेड टू ड्रिंकिंग, कमिटेड टू डूइंग, आईएनजी में दिखाइए। और अगर सिर्फ कोई नाउन है तो फिर तो नाउन ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अगर यहां पर लिखा है द गवर्नमेंट इज Committed to reducing unemployment. अब यहां जो reduce है ये action है, तो हमने क्या किया, action में ing लगा दिया। इसका क्या मतलब है कि जो government है, जो सरकार है, वो committed है, यानी कि वचनबद्ध है। क्या करने के लिए वचनबद्ध है, to reducing unemployment, यानी कि जो unemployment है, जो बेरोजगारी है, उसको कम करने के लिए जो government है वो committed है, वचनबद्ध है। तो समझ रहे, committed to जब बोलेंगे आप तो जो एक्शन है वो आई एन जी लगाना पड़ेगा जिरण में, और नहीं तो जो नाउन है वो नाउन लगाइए। देखिए, वी आर कमिटेड टू द प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट एक नाउन है, एक नाम है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग, तो ये नाउन है, तो नाउन है तो इसमें आप आई एन जी नहीं लगाएंगे। अगर ये एक्शन के रूप में होता तो हम आई एन जी लगाते, और वो जो जिरण हो भी तो नाउन का ही काम करता है। तो वी आर कमिटेड टू द प्रोजेक्ट, यानी कि इस प्रोजेक्ट से हम एकदम कमिटेड है, एकदम समर्पित है, ये एकदम हम इसे छोड़ नहीं सकते, हर हाल में हम ये करना ही है, खुद को समर्पित कर दिया है, एकदम कमिटेड हो गए हैं, वचनबद्ध हो गए हैं, एकदम ऑब्लिगेटेड है, कर्तव्य हो चुका है हमारा करना, तो कमिटेड का इस्तेमाल करेंगे। एक और देखिए, आई एम कमिटेड टू हेल्पिंग हर, यानी कि अब उसकी मदद करने के लिए मैं कमिटेड हूं, मैं वचनबद्ध हूं, यानी कि मैंने कुछ ऐसा वादा कर दिया है कि मुझे उसकी मदद करनी ही करनी है, तो आई एम कमिटेड टू हेल्पिंग, वर्ब है, आई एन जी लगाया, हेल्पिंग हर। एक और देखिए, शी इज कमिटेड टू हर जॉब, वो अपने जॉब से कमिटेड है, यानी कि एकदम जॉब से समर्पित है, खुद को समर्पित कर दिया है, कमिट कर दिया है कि अब उसे वो काम करना ही करना है, तो कमिटेड टू, यहां पर जॉब, इसमें हमने आई एन जी नहीं लगाया क्योंकि ये नाउन है। आई एम कमिटेड टू वर्किंग विद हिम, अब वर्क हमारा एक्शन है तो हम आई एन जी में दिखाएंगे, यानी कि मैं कमिटेड हूं क्या करने के लिए, उसके साथ काम करने के लिए, वर्किंग विद हिम। तो ये है एक छोटा सा टॉपिक कमिटेड टू, तो जिन्होंने पूछा था आई होप वो समझ गए होंगे गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।